को नमस्कार। देश के चार राज्य विशेष रूप से हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पांच राज्य पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपको बारिश नहीं दिखी। मीडिया के मित्र यहां बैठे हैं, आप ही वेरीफाई कर सकते हैं, किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप खुद इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि दिल्ली में पिछले तीन दिनों से बारिश नहीं हुई, और अगर तीन दिनों से बारिश नहीं हुई तो बाढ़ का कारण क्या है, इस बाढ़ के पीछे की वजह क्या है? इस बाढ़ के पीछे की वजह है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की दिल्ली के प्रति दुर्भावना। इस बाढ़ के पीछे वजह है केंद्र सरकार की दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश। इस बाढ़ के पीछे वजह है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के मन में छिपी हुई नफरत, जो कई बार ऐसी घटनाओं में निकलकर बाहर आती है। यह एक आपदा की स्थिति है, देश के किसी हिस्से में आ सकती है। दूसरे हिस्सों में आपदा आती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी सहयोग के लिए हाथ बढ़ाते हैं, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, केरल की सरकार हो या कोई दूसरे राज्य की सरकार। आज दिल्ली के अंदर बगैर बारिश के ये बाढ़ जो है, और जो खतरे के निशान से पानी ऊपर चला गया, ये बाढ़ प्रायोजित बाढ़ है। ये आपदा प्रायोजित की गई आपदा है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो पांच राज्यों को उनके हालत पे अनाथ छोड़ के भाग गए फ्रांस, वो तो सैर पे निकल गए फ्रांस की। ऐसे समय में जब देश के पांच राज्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं, ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री भारत छोड़ के फ्रांस की सैर पे निकल गए, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम अपनी पार्टी के नेताओं को तो समझा के जाते प्रधानमंत्री जी, उनसे ये तो कहते कि ऐसी परिस्थिति में संवेदनशीलता दिखाओ। लेकिन वही गंदी राजनीति, वही घटिया राजनीति, वही आरोप प्रत्यारोप। मिल गया है मौका केजरीवाल को टारगेट, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी हो, आतिशी हो, रात रात भर इस बाढ़ की स्थिति को कैसे ठीक किया जाए, नियंत्रित किया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे विधायक, हमारे पार्षद लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। बताइए आपको उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्री कोई तस्वीर दिखी हो, कहीं पे काम करते हुए उनके मंत्री विधायक दिखे हो? लेकिन एक काम पे लगा दिया मोदी जी ने कि बस मौका मिल गया है, भले ही बर्बाद होते हैं लोग, बर्बाद हों, बाढ़ में डूब जाए, मौका मिल गया, टारगेट करो अब बीजेपी वालों, जुट जाओ सब लोग। टारगेट करने पे लगे हुए, मजाक उड़ा रहे हैं, मीम बना रहे हैं। तुम ये नहीं समझ रहे हो बीजेपी के लोगों कि तुम्हारा मीम जनता के दिलों में बन रहा है, जो ये काम कर रहे हो तुम। हरियाणा हथनी कुंड बैराज, एक पानी दिल्ली की यमुना में आता है, एक पानी उत्तर प्रदेश के रास्ते जाता है, एक पानी कैनाल के रास्ते हरियाणा की तरफ जाता है। बेहतर यह होता कि बाढ़ की स्थिति थी तो तीनों रास्तों में अगर बराबर की आप पानी छोड़ते तो दिल्ली भी सुरक्षित रहता, हरियाणा भी सुरक्षित रहता, और उत्तर प्रदेश का इलाका भी सुरक्षित रहता।
लेकिन बीजेपी के मन में जो नफरत और दुर्भावना है उसके कारण उन्होंने सोचा कुछ भी हो जाए बस दिल्ली को बर्बाद करना है, यहीं पे पूरा पानी छोड़ दो। और मैं पूरे लॉक सीट के साथ आपको बता रहा हूं, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, 9 तारीख से लगातार हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तरफ जाने वाले पानी को रोक दिया गया और पूरा का पूरा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। 9 तारीख से लगातार 13 तारीख तक सारा का सारा पानी हथनी कुंड बैराज से दिल्ली की तरफ छोड़ा गया कि दिल्ली को बाढ़ में झोंक दो, दिल्ली को डुबा देना है पूरी तरीके से। यह तो बहुत अच्छा है कि अरविंद केजरीवाल जी की एक संवेदनशील सरकार है, यहां पे संवेदनशील मंत्रियों का समूह है, विधायक है, पार्षद है, हमारे कार्यकर्ता हैं जो इन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए काम कर रहे हैं। वरना 78 से भी ज्यादा भयावह स्थिति अगर पानी छोड़ने की है और पानी आ गया है यहां पर, तो ऐसे में तो पूरी दिल्ली डूब जाती। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं बीजेपी के लोग? आपको भी 7 सांसद दिल्ली के लोगों ने जिताया है। आज बेहतर होता वो 7 सांसद हरियाणा के सरकार से अपील करते, प्रधानमंत्री जी से अपील करते कि भाई पानी बराबर बराबर छोड़ा जाए, सारा पानी दिल्ली की तरफ क्यों छोड़ रहे हैं? अरे यहां भी यूपी वाले रहते हैं, यहां भी हरियाणा वाले रहते हैं, और अगर आप तीनों तरफ पानी बराबर बराबर छोड़ते तो इतनी भयावह स्थिति नहीं पैदा होती। हरियाणा भी डूब गया, उत्तर प्रदेश का नोएडा पूरा का पूरा नोएडा डुबा दिया आपने, क्योंकि 230 किलोमीटर का रास्ता है पानी का, और उस रास्ते में हरियाणा भी आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है, तो जो भी क्षेत्र आएगा वो अगर आप एक तरफ पानी छोड़ेंगे तो डूबेगा। तो ये तो बंदर के अस्तूरे वाली कहानी हो गई कि एक तरफ बंदर जो है वो अस्तूरा राइट मारता है, फिर लेफ्ट मारता है, फिर अपने ऊपर मार लेता है। तो दिल्ली को बर्बाद करने के चक्कर में आपने हरियाणा भी बर्बाद किया, उत्तर प्रदेश भी बर्बाद किया। अगर तीनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी आपस में बातचीत करते, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग आपस में बातचीत करते और ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बराबर से होता तो शायद ये बाढ़ की स्थिति दिल्ली को भी नहीं झेलनी पड़ती, इतनी भयावह स्थिति उत्तर प्रदेश और हरियाणा को भी नहीं झेलनी पड़ती। और 9 तारीख से, मैं फिर दोहरा दे रहा हूं, 9 तारीख से 13 तारीख तक लगातार सारा पानी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। ये लॉक सीट चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है। क्यों इतनी नफरत है बीजेपी वालों को दिल्ली से? क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को जिता दिया, क्योंकि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी, इसलिए इतनी नफरत से आप काम करेंगे? मुझे शर्म आती है कि ऐसी आपदा की परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके दिल्ली के तमाम प्रदेश कार्यकारिणी के और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग और यहां तक कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली की मुसीबत पर मजाक उड़ा रहे हैं, सहयोग का हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं। कैसे यहां के लोगों की मदद हो सकेगी उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको 2 वीडियो दिखाता हूं जिससे इनकी पूरी सच्चाई का आपको पता चल जाएगा। ये है ईजेसी और इसमें बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं है और ये हथनी कुंड से यूपी के लिए जाती है, यूपी के लिए जाता है। ये देखिए सूखा हुआ है कैनाल पूरा, जब से पानी आ रहा है तब से कोई पानी नहीं छोड़ा गया। ये ईस्टर्न कैनाल है, हथनी कुंड से ईस्टर्न कैनाल के आसपास है, और सारा जितना भी जोर है वो दिल्ली की साइड को निकाल दिया जा रहा है। ये हथनी कुंड बैराज है और डिस्चार्ज करा जा रहा है तो हथनी कुंड से दिल्ली तक। और आगे दिखाइए, ये सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है।
जैसी इसकी कैपेसिटी के भी अनुसार इसमें बहुत कम पानी छोड़ रहा है। तो ये भी वेस्टर्न कैनाल में जो हरियाणा की तरफ जाता है इसमें भी 13 तारीख को पानी छोड़ा गया। उसके पहले 9 से 13 तक जब हम लोगों ने कहा तब बहुत कम मात्रा में पानी छोड़ा गया, जबकि 10 गुना कम क्षमता में पानी छोड़ा गया यहाँ पे। तब ये पूरी बात बताने का मकसद ये था कि दिल्ली की बाढ़ प्रायोजित बाढ़ है, यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। यहाँ के सरकार के मैनेजमेंट में और यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिंताओं में, संवेदनशीलता में कोई कमी नहीं है। यहाँ के मंत्रियों के काम में और विधायकों के काम में कोई कमी नहीं है। अपनी दुर्भावना की राजनीति के कारण जबरन जानबूझ के दिल्ली को बाढ़ में झोंका गया है, ये पूरी सच्चाई आपके सामने बतानी थी। अब आपके कोई प्रश्न हो, मैं चाहूंगा प्रियंका जी अपनी बात रखें, फिर आपके कोई प्रश्न हो। सिंसियर वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज टू एड्रेस द इशू दैट द रेन्स दैट देयर हैव बीन नो रेन्स इन दिल्ली फॉर द पास्ट 3 डेज एज यू ऑल कैन वेरीफाई। The rain, the floods in Delhi, as we see them today in the low-lying areas of Yamuna, is because of a manufactured, man-made flood by the BJP. Certain videos were played which clearly showed that there was no water released from the Hathnikund barrage from 9th of July to 13th of July. And the entire water flow was diverted to Delhi, therefore causing these floods. Friends, you will all notice that whenever there is a situation in the country, whenever the country is facing a disaster, our Honorable CM Shri Arvind Kejriwal ji is the first one to offer assistance. That is what the governments are supposed to do for the people. It is most unfortunate that in Delhi, that in the center, there is a government, a vindictive government, a government who is hell-bent to only cause problems to the people and do negative politics. This government, with complete intention, has ensured that the entire water from the Hathnikund barrage flows from Haryana to Delhi. This must be addressed. It's a manufactured flood. You will see all of our ministers, our MLAs, our councillors, our mayor have been on the ground. Even our honorable CM has been constantly on the ground from day one. They're trying to manage the situation. However, jab pura hi pani Delhi ki taraf chhod diya, to difficulty hogi, and that is what Delhi is facing currently. It is also important to note that Delhi is not the only state at the moment which is facing such a crisis. There is Himachal Pradesh, there is Punjab, there is Uttar Pradesh, there is Haryana, and yet we see the PM on a foreign tour yet again. It is extremely important that we must come together. The chief secretaries of these states should have come together, evolved a plan, because the gates at these barrages are easily manipulated and water could have been distributed so that there was no issue in any of these states from where this barrage, the river flows. It's a 230 kilometer stretch, as we know. So therefore, it is very important that accountability must be fixed, questions must be asked. This government comprising of people who have no sympathy towards its citizens, questions must be asked of this government why no water was released from Hathnikund barrage between the 9th and the 13th of July, and why was it allowed that the entire water flow is diverted towards Delhi, therefore causing these floods. If you have any questions, sir, we'll address them.
देखिए ये विषय हम लोगों ने उठाया है और आप लोगों के माध्यम से भी मैं समझता हूँ आप सबसे भी अनुरोध है कि कृपा करके इस मामले को उठाइए। ये बहुत ही संवेदनशीलता का मामला है कि आप दिल्ली को जानबूझकर अपनी राजनीति के चक्कर में, अपनी दुर्भावना के चक्कर में बाढ़ के अंदर झोंक रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर कीजिए और इस तरीके से सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ के और दिल्ली को बाढ़ में झोंकना ये ठीक बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इसके बारे में केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए और राज्य सरकारों को भी कदम उठाना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान है, उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी को सवाल उठा रही है राजनीति इसीलिए तौर पे, और क्योंकि डैम नहीं है बराज है तो पानी स्टोर करके नहीं रख सकते, छोड़ना पड़ेगा। देखिए ऐसा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमने तो प्रमाण के सहित आपको दिखा दिया। और ये लॉकशीट जो है ये झूठ तो नहीं बोल रही है, इस लॉकशीट को आप वेरीफाई कर लीजिए कि 9 तारीख के बाद कितना पानी ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में छोड़ा गया, ये तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। मीडिया के लोग ना मेरी बात मानिए ना हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात मानिए, प्रत्यक्ष को किस प्रमाण की जरूरत है, ये तो प्रत्यक्ष तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको आप वेरीफाई कर लीजिए और फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री से पूछिए कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, किसके कहने पर किया उन्होंने। तो फिर यही बात दोहरा के मैं कह रहा हूं कि अपने दुर्भावना की राजनीति के कारण ऐसा मत कीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो काम कर ही रहे दिन रात, 20,000 लोग रिलीफ कैंप के अंदर हैं, बहुत सारे प्रभावित क्षेत्रों से उनको हटा के रिलीफ कैंप में रखा गया है लोगों को, उनको भोजन आदि की जो व्यवस्था है वो भी हो रही है। कल से अभी हमारे विधायक महेंद्र गोयल जी बता रहे हैं कि यहाँ पार्टी कार्यालय से भी हम लोग भोजन आदि की व्यवस्था करेंगे, जो हमें करना हम तो कर रहे हैं। लेकिन एक मुसीबत होती है प्राकृतिक, एक मुसीबत होती है प्रायोजित, तो यह मुसीबत दिल्ली के ऊपर प्रायोजित मुसीबत है। मैं आप लोगों को यह सिर्फ बताना चाहता हूं, यह स्पॉन्सर्ड फ्लड यहां पे पैदा किया गया, प्रायोजित बाढ़ की स्थिति यहां पे पैदा किया गया, ये ठीक बात नहीं है। धन्यवाद।